हेलो लर्नर्स, वेल्कम टू IFAS. माई सेल्फ अंशु योर कॉमर्स एज वेल एज टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेटर. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग जो है बच्चों बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी. और बच्चों, जिसका हमें इंतजार था, हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि कब अपना फॉर्म आएगा, कब उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन आए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले. तो बच्चों, आज हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे. और बेसिकली कल रात को बच्चों, बेसिकली हमारे जो जगदीश कुमार जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि कल रात को या फिर आज जो है ना, ये देखो, बेसिकली उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि नेट विल लाइकली लॉन्च द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द नेट जून 2024 सेशन टू नाइट एंड टुमारो. तो बच्चों, कल रात में, कल बेसिकली 8 बजे का ये न्यूज़ है अपना, है ना. उन्होंने ट्वीट किया था तो कल नहीं आया, तो डेफिनेट बच्चों आज अपना UGC नेट का फॉर्म जो है बच्चों आ जाएगा, जिसके लिए हम लोग अपने 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना. तो उसका एक तरीके से उसको हमें अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसको और बढ़ाने का समय आ गया और उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करने का जो है वो समय आ गया है ना. जो हमने वेट किया था, हमारा समय जो है वो ख़त्म, अब आज ही के समय में बच्चों अपना जो है आज के दिन में नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगा, है ना. और बच्चों, फॉर्म को फिल करने की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी आप लोग वेट मत कीजिएगा कि फॉर्म हम लोग बाद में भर लेंगे, जस्ट अभी अभी फॉर्म आया है, 2-4 दिन बाद भर लेंगे, लास्ट समय भरेंगे. तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. फॉर्म आया है, आपको सबसे पहला काम करना है अपना फॉर्म फिल करना है और एक काम जो है बच्चों ख़त्म, ठीक है. और उसी के साथ साथ अब अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना. अब बेसिकली 1.5 महीना हमारे पास बचा हुआ है. और एक तो ये भी बताया गया था कि फॉर्म जो है अपना पहले आना था, लेकिन पहले नहीं आया तो क्या अपना एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है. हमें अपना जो जून के समय में जो एग्ज़ाम का डेट है उसी को मान करके बच्चों चलना है एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल इसको याद रखिएगा. और फॉर्म कैसे फिल करना है, तो बच्चों मैंने दिसंबर में बनाया था, इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन से ऑप्शंस को चूज़ करना है. तो आप लोग बच्चों उसको रेफ़र कीजिएगा और उसकी हेल्प से इस फॉर्म को अच्छे तरीके से बच्चों फिल कीजिएगा, ठीक है. और उसी के साथ साथ बच्चों, जो बच्चे चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है, आप सभी लोगों को बच्चों हिंदी सेलेक्ट करना है फॉर्म फिल करते समय में, बिल्कुल याद रखिएगा. और अगर आप बच्चों चाहते हैं कि नहीं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आए, तब आप इंग्लिश जो है वो चूज़ कीजिएगा, ठीक है. चलो, फॉर्म के बारे में पता चल गया. अब बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी तैयारी कि अब तैयारी कैसे किया जाए, तैयारी को कैसे बढ़ाया जाए, बूस्टअप किया जाए, है ना. तो बेसिकली मैंने बच्चों IFAS के कॉमर्स चैनल पर अपना जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें जो 10 यूनिट है उनसे रिलेटेड बच्चों काफ़ी सारे पूरी की पूरी मैंने सीरीज ली है और एक वीक में मैंने पूरा ख़त्म किया है बच्चों, ठीक है. तो आप लोग उसको देख सकते हैं. लाइक अपना देखो, इकोनॉमिक्स मैंने कवर किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपना, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस पूरा वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से बच्चों आप लोग कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी. तो बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सबको मैंने कवर कर रखा है IFAS के कॉमर्स चैनल पर. तो ज़रूर जाइए, उसको देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार और ब्रशअप कर लीजिए, ठीक है बच्चों. ये देखो, है ना, रिसर्च पे भी मैंने कवर किया, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च है, बैंकिंग है ना, मार्केटिंग है बच्चों, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन सब पे भी है ना, जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM है, तो इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, पूरी सीरीज ली हुई है. तो बच्चों उसको जरूर जाइए और देखिए, ठीक है. और उसी के साथ साथ बच्चों पेपर 2 पे कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात कर लें तो अभी AP सेट और HP सेट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं और अजय सर शाम में 6 बजे लाइव आते हैं और उसको कवर करते हैं, क्वेश्चंस प्लस उसका एक्सप्लेनेशन. तो बच्चों ये सेशन आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये दोनों का, सेट का और नेट का सिलेबस सेम है. और बच्चों आप लोग अगर इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होंगे, है ना. और उसी के साथ साथ पेपर 1 की अगर बात कर ले तो बच्चों डेली 11 बजे जो वहाँ पे सेशन चल रहा है, 3 घंटे की लगातार सेशन चलती है वहाँ पे, है ना. और हम लोग वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं. लाइक अपना टीचिंग एप्टीट्यूड में मंडे को लेकर के आ रहा हूँ वहाँ पे, और अदर सब्जेक्ट है ना, जैसे कि कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, तो सौरभ सर हैं, हिमांशु सर है ना, सभी लोग बच्चों लेके आ रहे हैं. तो जरूर जो है वहाँ पे भी उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है. चलो, तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ये इन्फॉर्मेशन सुन के आपको कैसा फील हो रहा है इसको ही बच्चों जरूर जो है वो कमेंट कीजिएगा. अब बच्चों बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना, आप सिर्फ
तैयारी करना है बच्चों, फोकस करना है, और एक कदम दूर है हम लोग अपने सपने से, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है उससे। ठीक है, एम हाई रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।